प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम आपको वर्कशीट के माध्यम से दे रहे हैं। उससे पहले हमने आपको वर्क 5 लेसन के वर्कशीट के माध्यम से क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर चुका हूँ और आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है, लेकिन अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्यार बच्चों, बार बार मैंने आपको समझाया भी है कि प्लस 2 की जो ये क्लास है वो आपकी बेस क्लास है, इस पर आपका पूरा का पूरा लाइफ डिपेंड करता है। यदि आप इस क्लास के अंदर केयरलेस होंगे, इस क्लास पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देंगे, तो पूरा का पूरा जीवन आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आप इस क्लास पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन इसी क्लास पर डिपेंड है। आगे आप क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, आप आगे कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ इसी क्लास पर डिपेंड करता है। ये क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपको दिशा प्रदान करेगी कि आप जीवन में क्या बनेंगे। इसलिए ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करें, 5 से 6 घंटे आप अपने घर पर रहकर पढ़ाई करें, और जो भी टीचर्स आपके वर्क दे रहे हैं उस वर्क को अच्छी तरह से लर्न करके अपनी फेयर नोटबुक में करके उनके व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। बार बार आपको समझाया नहीं जाएगा, आप मैच्योर हो चुके हैं, आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, बार बार समझाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से घर पर करें और टीचर्स के द्वारा जो वर्क दिया जा रहा है उसको उसके व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। अब जैसे आपको पता है कि जो 6th लेसन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर चुका हूँ और बहुत से बच्चों ने उनमें अच्छा कार्य किया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे बच रहे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके CBSE एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्कशीट 1 के अंदर हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में, उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में, सदस्य देशों के बारे में बहुत सी बातें बता चुके थे। उसके बाद हमने आपके वर्कशीट 2 को सेंड किया था। उस वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन आज मैं आपको आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया करके उसको ध्यान से सुने। जैसे पहला जो क्वेश्चन हमने वर्कशीट 1 2 में दिया था वो था व्हाट इज अपार्थिड, ये अपार्थिड क्या है, रंग भेद क्या होता है, अपार्थिड का मतलब रंग भेद क्या होता है। तो देखिए, रंग भेद ये नस्ल या रंग के आधार पर लोगों से किया जाने वाला भेदभाव है। किसी विशेष जाति को रंग के आधार पर उसके जो अधिकार है उनको छीना जाना, उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाना, ये अपार्थिड कहलाता है। जैसे कि आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों का, श्वेत या अश्वेत लोगों का बहुत ज्यादा वहां पर संघर्ष चला था, श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया था। तो ये एक तो लोकतंत्र के बहुत ज्यादा खिलाफ है, अपार्थिड जो सिस्टम होता है रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम अपार्थिड कहते हैं। तो अपार्थिड इज अ डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थिड इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर एंड ब्रीड। ध्यान दीजिए, अपार्थिड एक भेदभाव है जो रंग और नस्ल के आधार पर होता है। रंग और नस्ल के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव अपार्थिड कहलाता है, विच इज एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी ह्यूमैनिटी, जो कि लोकतंत्र और मानवता के बहुत ज्यादा खिलाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF के बारे में देखिएगा, IMF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। देखिए, ये जो IMF है ये उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए कार्य करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता और रूल रेगुलेशन का कार्य करती है, ऐसी संस्थाओं की हेल्प करने का काम IMF करती है।
आईएमएफ के अंदर 189 मेंबर्स है, तो द आईएमएफ हैज 189 मेंबर कंट्रीज बट दे डू नॉट एंजॉय एन इक्वल स्टेटस। आईएमएफ के अंदर 189 सदस्य है, लेकिन सारे सारे जो 189 सदस्य है उनको एक समान रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अंदर जो G8 के सदस्य है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, रूस है, इन लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार है। आईएमएफ के अंदर जो G8 के सदस्य 52% वोट्स का अधिकार केवल आईएमएफ के G8 के सदस्य देशों को है। अकेले 17.2 जो वोटिंग राइट है वो केवल अमेरिका के पास है। तो आईएमएफ के अंदर सभी सदस्य देशों को एक समान अधिकार नहीं है, तो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हम इसको कह सकते हैं। तो आईएमएफ हैज 189 मेंबर कंट्रीज बट दे डू नॉट एंजॉय ऑन इक्वल स्टेटस, लेकिन सभी सदस्य देशों को समान रूप से अधिकार इसमें नहीं है। तो ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन इंस्टीट्यूशन या रूल रेगुलेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशन स्थापित करने वाली संस्थाओं की हेल्प करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक क्या है। तो आपको पता है जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यह आपको एकदम वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी, तो वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही अचानक से विश्व बैंक की स्थापना की गई इन 1945। क्यों की गई थी विश्व बैंक की स्थापना, इसलिए की गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945। इट्स एक्टिविटीज आर फोकस ऑन द डेवलपिंग कंट्री। देखो वर्ल्ड बैंक की जो गतिविधियां है वो हमेशा वर्ल्ड बैंक किन देशों का ध्यान रखता है, कौन सी किन देशों की गतिविधियों पर ध्यान रखता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर ध्यान देता है। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक मानव का विकास के लिए, एग्रीकल्चर का विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने पर जोर देता है। इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स, ये देशों को ऋण भी देता है, अनुदान भी देता है टू द मेंबर कंट्रीज। जो वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्री है उन देशों को लोन देता है और उनको अनुदान भी देता है ताकि वो उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। बहुत से काम है एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्नोलॉजी पर, इन पर ये देशों को लोन प्रोवाइड कराता है, उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है राइट फुल नेम ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट मेंशन नेम ऑफ एनी टू एनजीओस दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। दो ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के नाम बताने हैं जो कि मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं। दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाते हैं, तो उसमें पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर जहां भी मानव अधिकारों का हनन होता है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इंडिया पार्टिसिपेशन एप्रोप्रिएट एज द परमानेंट यूएन मेंबर। देखिए भारत यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता, भारत के लिए यूएन में स्थायी सदस्यता उचित क्यों है, क्यों भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक स्थायी सदस्य के रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसे कौन से कारण है। ऐसे दो कारण आपको बताना है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो पहला रीजन है इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। पहला इसका रीजन क्या है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है एंड इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन, और भारत हमेशा यूएन की जो गतिविधियां है उनके अंदर हमेशा पार्टिसिपेट करता हुआ आया है। यूएन की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों में भारत
पार्टिसिपेट करता है। इस कारण से भारत की दावेदारी यूएन के अंदर एक परमानेंट मेंबर के लिए उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेट फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग? ताप वृद्धि से विश्व को क्या खतरा है? आपको व्हाट इज द थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, जो ताप वृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है ताप वृद्धि के अंदर, तो विश्व को क्या खतरा है? इट कैन कोज सी लेवल टू राइज। यदि ताप वृद्धि हुई तो समुद्र तल का जो लेवल है इस तरह वो बढ़ जाएगा। एक दिस हैपन, यदि ऐसा हुआ, द सिटीज ऑफ द बैंक ऑफ सीज, समुद्र के किनारे जितने भी शहर है विल बी समर्ज, वो सारे डूब जाएंगे। तो विश्व को ये सबसे बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, समुद्रों का जो लेवल है इस तरह वो इंक्रीज होगा और समुद्रों के आसपास जितने भी शहर है वो जल में जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। विच आर द एजेंसीज दैट डील विद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन यूएस? यूएन के अंदर आपको उन एजेंसीज के बारे में बताना है जो आर्थिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको हल करती है। तो वो जो एजेंसीज है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, ये चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड है, ये यूनेस्को, UNHRC। तो कुछ ऐसी एजेंसीज है ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के जो मुद्दे होते हैं उनको डील करती है। WHO, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNHRC, ये एजेंसीज है दैट डील विद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को डील करती है, उनको हल करती है। व्हेन एंड व्हाई डिड लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश? लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों की गई थी, कब और क्यों की गई लीग ऑफ नेशन? तो द लीग ऑफ नेशंस वाज क्रिएटेड इन 1920, 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। क्यों बनाया गया था? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, उसको बनाया गया 1920 के अंदर, टू प्रोवाइड फोरम फॉर रिसॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ये इसलिए बनाया गया था कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए एक संगठन की जरूरत थी, जिसको लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ऐसी घटना दोबारा से घटित न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। हु इज द UN's रिप्रेजेंटेटिव हेड? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुखिया को, हेड को क्या कहा जाता है? तो सेक्रेटरी जनरल, उसको महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल, महासचिव कहते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन यदि रॉन्ग किया है, गलत किया है, तो आप इस आंसर की से मैच कर सकते हैं और उसको करेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।